ध्यान से सुनना फ्रेंड, मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो फ्रेंड, आपको एक एक बातों को ध्यान में रखना है और इन टिप्स को फॉलो करना है। और लास्ट में मैं आपको एक सेक्रेट टिप्स बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जो कि आपकी बैटरी को डेफिनेटली इम्प्रूव करने वाली है। तो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक टू एहसान। तो फ्रेंड, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो फ्रेंड, यदि आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा कम चलती है तो फ्रेंड, मैं आपको कुछ ऐसी पावरफुल टिप्स बताने वाला हूँ जो कि आपकी बैटरी की लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देगी। फ्रेंड, यदि आपकी बैटरी बहुत कम चलती है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है एहसान और आप देख रहे हैं टेक टू एहसान चैनल। तो गाइस, सबसे पहले हम फर्स्ट टिप की बात करें तो जो हमारी ब्राइटनेस लेवल होती है, तो हम क्या होता है बहुत ज़्यादा उसे 100% में ही रखते हैं। तो फ्रेंड, क्या होता है सबसे ज़्यादा मेन जो रीज़न होता है हमारी बैटरी की डिक्रीज होने की, तो फ्रेंड वो ये होती है कि जो हम अपनी ब्राइटनेस लेवल रहती है उसे बहुत ज़्यादा में रख लेते हैं, 80% 100% तक उसे पूरा फुल कर देते हैं। तो फ्रेंड, आपको कभी भी क्या करना है कि जो आपकी ब्राइटनेस लेवल होती है उसको 60% या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप 70% में रख सकते हैं। तो फ्रेंड, और आपको फिर नेक्स्ट ट्रिप में बता दूं कि जो ऑटो ब्राइटनेस लेवल होता है हम उसे इनेबल करके रखते हैं, तो फ्रेंड क्या होता है कभी भी उसके जो सेंसर होते हैं वो चालू रहते हैं, और जैसे कि हम धूप में गए तो वो फुल हो जाता है, और कभी कभी सेंसर में कोई प्रॉब्लम रहती है तो कभी भी वो कम ज़्यादा होता रहता है। तो फ्रेंड, इससे भी आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा डिक्रीज होती है और इससे भी बैटरी आपकी कम चलती है। तो फ्रेंड, आपको कभी भी जो ऑटो ब्राइटनेस रहता है ऑप्शन उसे इनेबल नहीं करना है, आप मैनुअली कर सकते हैं। जैसे कि आपको ज़्यादा ज़रूरत है ब्राइटनेस की तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, और कम ज़रूरत हो आप कम भी कर सकते हैं। सेकेंड टिप है डार्क मोड। तो फ्रेंड, क्या होता है कि हमारे फ़ोन में बहुत सारे ऐसे मोड होते हैं जो कि हमारी बैटरी को सेव करते हैं, जैसे कि हो गया एक डार्क मोड। तो फ्रेंड, यदि आप अपने फ़ोन में डार्क मोड को इनेबल कर लेते हैं तो सिंपली का फंडा है, तो फ्रेंड जो आपकी ब्राइटनेस लेवल होती है वो वाइड वाइट रहती है, और फ्रेंड डार्क मोड जैसे आप इनेबल कर लेते हैं तो वो ब्लैक हो जाती है। फ्रेंड, यदि आपके पास AMOLED डिस्प्ले है तो उसमें तो डेफिनेटली आपकी जो बैटरी है वो इम्प्रूव होने वाली है। तो फ्रेंड, आप भी इसे भी इनेबल करके रखिए, जो आपका डिस्प्ले है वो उसमें कम ब्राइटनेस यूज़ होगा और इससे आपकी बैटरी भी इम्प्रूव होगी। चलिए सेकेंड टिप्स की बात कर लेते हैं, लॉक स्क्रीन। तो फ्रेंड, लॉक स्क्रीन टाइम आउट जो होता है हमारे फ़ोन में 1 मिनट या 2 मिनट या कभी कभी तो 5 मिनट का भी लगा होता है। तो फ्रेंड, क्या होता है कि जो हमारे स्क्रीन है हमने ऐसे चालू करके ऐसे ही छोड़ दिया सिंपली, तो फ्रेंड कभी कभी हम भूल जाते हैं और हमारी जो फ़ोन की स्क्रीन है वो जलती रहती है 1 मिनट तक 2 मिनट तक, तो बिना फालतू में जो हमारी बैटरी है यूज़ होती रहती है। तो फ्रेंड, आपको क्या करना है, जो आपकी टाइम स्क्रीन लॉक स्क्रीन टाइम आउट है उसे 30 सेकेंड ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेट करके रखना है, जिससे कि आप जैसे कि कभी भी धोखा से भी भूल गए अपने फ़ोन को लॉक करना, तो आपकी जो टाइम में अरे कहना क्या चाहते हो, आपकी जो स्क्रीन है वो 30 सेकेंड के बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, और इससे आपकी बैटरी भी ज़्यादा खर्चे होगी नहीं। टिप नंबर 4। तो फ्रेंड, मैंने कई बार बताया आपको कि जो अपने फ़ोन में अनवांटेड एप्लीकेशन होते हैं, जैसे कि आप यूज़ नहीं करते हैं और आपने एक बार इंस्टॉल कर लिया उन्हें और आपने छोड़ दिया, बैकग्राउंड में वो रन होते रहते हैं। फ्रेंड, मैं आपको कितने बार बताऊं कि जो अपने अनवांटेड एप्लीकेशन होते हैं उन्हें आप प्लीज़ अनइंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर आपको उनको स्लीप मोड में डाल सकते हैं, फोर्स स्टॉप कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो बैकग्राउंड में कोई भी एप्लीकेशन रन नहीं होगा तो फिर आपकी बैटरी भी इसे इम्प्रूव होगी। आप खुद सोच सकते हैं, यदि आप एक काम कर रहे हैं अपने एप्लीकेशन में, कोई भी एप्लीकेशन में, और एक और एप्लीकेशन है जो कि बैकग्राउंड में भी रन कर रहा है, मतलब कि वो भी काम कर रहा है, तो सिंपली का फंडा है उसमें भी आपकी बैटरी ज़्यादा खर्च होने वाली है। तो सिंपली आपको जो आपके काम के एप्लीकेशन नहीं होते हैं आपको उन्हें अनइंस्टॉल कर लेना है। तो फ्रेंड, जितना ज़्यादा आप अपने होम स्क्रीन को क्लीन रखेंगे उतनी ज़्यादा आपकी बैटरी यूज, मतलब कि उतनी ज़्यादा आपकी बैटरी चलने वाली है। समझ रहे हो ना। फ्रेंड, टिप नंबर 5 को बताने से पहले, ये फ्रेंड यदि आप इस वीडियो में नए हैं तो फ्रेंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमेशा के लिए देखने को मिलती रहेंगी। चलिए फ्रेंड, आप 5th टिप्स की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड, 5th टिप्स में मैं बताता हूँ आपको कि जो हमारी पावर सेविंग मोड होता है हम उसे भी कभी चालू नहीं करते हैं, जैसे कि हमारा बहुत ज़्यादा 20% या फिर उससे भी कम रहता है तभी हम पावर सेविंग मोड को इनेबल करते हैं। तो फ्रेंड, आपको ऐसा नहीं करना है। जो छोटी छोटी टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ इन सभी को आप
यूज करेंगे, फॉलो करेंगे, तो फ्रेंड डेफिनेटली आपकी बैटरी में इम्प्रूवमेंट आएगा। तो फ्रेंड वीडियो को पूरा जरूर देखना और फ्रेंड कमेंट करके जरूर बताना कि आपने इन टिप को फॉलो किया तो आपकी बैटरी इम्प्रूव हुई या नहीं हुई। जो आपकी बैटरी ज़्यादा बहुत ज़्यादा खर्च होती थी तो उससे आपकी बैटरी में कुछ इम्प्रूवमेंट आया या नहीं आया। तो फ्रेंड फिफ्थ टिप्स में जैसे कि बता रहा था आपको पावर सेविंग मोड, तो फ्रेंड इसे आपको मतलब 70% भी रहे या फिर 80% भी रहे आपकी बैटरी, तो इसे आपको इनेबल करके रखना है, जिससे कि फ्रेंड आपकी जो बैटरी है वो कम खर्च होने वाली। फ्रेंड क्या होता है पावर सेविंग मोड और इनेबल करने के बाद में जो बैकग्राउंड में रन करते रहते हैं एप्लीकेशन या फिर जो आपने नोटिफिकेशन होती हैं या फिर जो भी चीज़ है वो यूआई से कस्टम रहता है पावर सेविंग मोड, तो वो ऑटोमेटिकली अपनी बैटरी को सेव करता रहता है। टिप नंबर 6, लाइव वॉलपेपर। तो फ्रेंड कभी कभी क्या होता है हमारे बहुत बड़े बड़े शौक होते हैं, तो फ्रेंड मेरा शौक तो है वॉलपेपर लगाना। कैसा लगा मेरा मजाक? तो फ्रेंड क्या होता है मैं अपने फ़ोन में कभी कभी लाइव वॉलपेपर यूज कर लेता हूँ, तो फ्रेंड इससे भी जो हमारा बैटरी है वो बहुत ज़्यादा ड्रेन होती है। तो फ्रेंड आपको कभी भी लाइव वॉलपेपर का यूज़ नहीं करना है। फ्रेंड क्या मतलब जब आपको इतने अच्छे अच्छे थीम्स स्टोर में आपको वॉलपेपर देखने को मिल जाते हैं, अब किसी किसी को ज़्यादा शौक रहता है तो आप कभी कभी यूज कर सकते हैं। तो मेरे फ्रेंड मैं कहूँगा कि आपको वॉलपेपर का यूज़ नहीं करना है, जो लाइव वॉलपेपर होते हैं उनका यूज़ आपको नहीं करना है। टिप नंबर 7, फ्रेंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो अपनी होम स्क्रीन रहती है और जो अपना फ़ोन रहता है जितना ज़्यादा क्लीन रहेगा उतने ज़्यादा हमें फ़ोन को यूज़ करने में भी उतना ही अच्छा लगता है, और जो हमारे फ़ोन में कचरा बड़ा रहता है सबसे अपने फ़ोन चालू किया और होम स्क्रीन में कितने सारे एप्लीकेशन होते हैं, तो फ्रेंड आपको जितनी ज़्यादा आपकी होम स्क्रीन मतलब क्लियर रहेगी उतनी ज़्यादा आपको चलाने में भी अच्छा लगेगा और आपकी बैटरी भी अच्छी चलने वाली है। तो फ्रेंड आप ये छोटे छोटे टिप्स हैं, इन्हें आप प्लीज फॉलो करिए और आप देखेंगे कि आपकी जो बैटरी यदि 4-5 घंटे चलती थी तो वो ज्यादा से ज्यादा 2-3 घंटे इम्प्रूव होने वाली है। और फ्रेंड मेन बात तो मैं आपको बताना भूल गया, जो हमारे सबसे ऊपर स्टेटस बार में जो हमारे काम के तो चलिए गाइस अब बात कर लेते हैं लास्ट टिप्स की। तो फ्रेंड जो स्टेटस बार में ब्लूटूथ चालू करके रख लेते हैं हम कभी कभी, या फिर जो वाईफाई होती है हमारी हम उसे चालू करके रख लेते हैं, या फिर हॉटस्पॉट चालू करके रख लेते हैं, तो फ्रेंड इससे सबसे ज़्यादा जो बैटरी हमारी ड्रेन होती है वो हॉटस्पॉट के चालू रहने से होती है। तो फ्रेंड आपको ये सब कभी भी चालू करके कभी भी छोड़ नहीं देना है, तो फ्रेंड आपका काम हुआ और आप इन्हें तुरंत से बंद कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये जो टिप्स हैं आप इनको फॉलो करेंगे, और फ्रेंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपने इन टिप्स को फॉलो किया या नहीं किया और फिर क्या आपको रिजल्ट देखने को मिला, आपकी बैटरी इंप्रूव हुई या नहीं हुई। चलिए फ्रेंड वीडियो को अब एंड कर लेते हैं। सो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। चलिए फ्रेंड मिलते हैं हम नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।